बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर और आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं जो है वो सफ़र करूँगी ग्रीन लाइन बस में, जिसके लिए मैं खूब एक्साइटेड हूँ। और एक्साइटेड तो काफ़ी सालों से थी, क्योंकि जब भी मैं ये सब इसकी कंस्ट्रक्शन देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि कब ये जो है वो सर्विस का आगाज़ होगा और मैं इसमें करूँगी सफ़र। तो हम कराची वालों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वसाइल की हमेशा से कमी रही है, इस लिहाज से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मैसर सही तरीके से यहाँ पर नहीं है। देखिए, है ना हैरत की बात कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसकी इकॉनमी जो है वो सबसे ज़्यादा है और रेवन्यू भी सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन बेचारे उनके जो पब्लिक है यानी कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए है सहूलतों का फुकदान। तो ये बहुत अफसोस की बात है और ये हमारी जो है वो हुक्मरान को इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से भी ख़त्म होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो है वो जिनके छोटे शहर हैं वहाँ पर भी इतनी अच्छी तरह से जो है वो हर चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, उनके जो है शहरियों को हर तरह का जो है सहूलत दी जाती है, तो बस हम सिंध वाले जो है वो हर चीज़ में जो है वो पीछे ही जो है रह जाते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और जब तक जो है वो हमारे जो है वो बड़े हुक्मरान जो है वो सीरियस नहीं होंगे तो ये जो है मामला जो है वो कभी भी हल नहीं होगा। तो ये सरजानी टाउन से जो है वो इसका जो है स्टार्ट होता है, यानी ये जो बस का सफ़र है ये सरजानी टाउन का इनका पहला जो है स्टॉप होता है, वहाँ से जो है सफ़र शुरू होता है और ये जाती है बस नुमाइश तक। बीच में जो है काफ़ी इनके स्टॉप्स आते हैं लेकिन नुमाइश पे जाके इनका एंड होता है। तो और अब तो मैंने ये सुना है कि शायद टावर तक जो है वो इसका जो है वो स्टॉप वगैरह बन गया है, लेकिन अभी जो है वो सर्विस का आगाज़ नहीं हुआ है। अच्छा, प्लान मैंने यही बनाया था कि जिस तरह अपने स्टॉप से हमारा बोर्ड ऑफिस का जो स्टॉप है तो यहाँ से मैं बैठूँगी और नुमाइश पे उतर के वहाँ से रिटर्न टिकट लेंगे और फिर वापस अपने जो है वो घर की तरफ जाएँगे। तो एक तरीके से जो है वो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और सफ़र का सफ़र और इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा सा इन लोगों ने जो है वो स्टेशन बनाया हुआ है, और दुआ भी यही करनी चाहिए कि ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि यहाँ मसला ये होता है कि कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं तो उनको मेंटेन नहीं किया जाता है। और साथ में जो है वो एक महज़ब शहरी होने के नाते हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है वो सारी चीज़ों का ख्याल रखें, यानी सफाई का, और कोई चीज़ जो है वो ख़राब ना करें, क्योंकि अपना जो है मुल्क, अपना शहर, अपना घर, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी अपनी हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ही खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट का तो काम है इन सारी चीज़ों की देखभाल करना, सब कुछ करना, लेकिन एक महज़ब शहरी होने के नाते जो है वो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, मैं इस्लामाबाद की मेट्रो बस में भी सफ़र कर चुकी हूँ तो मुझे जो है तकरीबन जो है एक जैसा ही जो है वो सारा सिस्टम लगा है। और बस अपने सफ़र का करते हैं आगाज़ और मेरे साथ जो है आप भी सफ़र को खूब इन्जॉय करें।
तो बस जो है वो नुमाइश पे उतर के जो है वहाँ से वापसी का टिकट लिया है और मैं पहुँची हूँ अब हैदरी स्टेशन पे। और जहाँ तक इस सफ़र की जो है बात की जाए तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और आप लोगों ने भी जो है वो खूब इंजॉय किया होगा। और साथ में बस यही उम्मीद मैंने भी रखी है कि ये बसें जो हैं वो कराची की सड़कों पे रवा दवा रहें और आगे तक जो इनके रूट्स बने यानी रूट इनके पूरे ही कराची में हो और सब इसको जो है अवेल कर सकें। अभी सुन तो रहे हैं कि ऑरेंज लाइन भी जो है वो बस का जो है आगाज़ होने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी तो वैसे ही जो है वो कराची में रही है, लेकिन इस कमी को काफ़ी हद तक जो है वो पूरा कर लिया गया है ग्रीन लाइन बस के ज़रिए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपना रखना है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।